सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हो हमारा और आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ गेमिंग इंजन, गेमिंग इंजन क्या है और RC21 कब आएगा। तो गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करना यार, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब ठोक दो और लाइक तो यार ठोक ही दो। तो गाइज यार रुको यार, स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइज यार गेमिंग इंजन के बारे में आई थिंक शायद ही किसी मतलब क्रिकेट कम्युनिटी यूट्यूबर ने बताया, और गाइज अगर इस वीडियो को देख लोगे ना तो शायद यार मैं कहता हूँ लिटरली यार आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस बारे में आपको ज़्यादा बात करने की कि गेमिंग इंजन होता क्या है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेमिंग इंजन होता क्या है। तो गाइज यार देखो, गेमिंग इंजन वो है जो गेम की लाइटिंग, कैरेक्टर्स मूवमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स प्लेबैक। तो गाइस यार ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। जी हाँ गाइस, आर्टिफिशियल के जितने भी यानी कि आपके अलावा जो भी प्लेयर्स हैं उनको सब यही कंट्रोल करता है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के हमारे गेमिंग इंजन होते हैं। तो गाइस यार सबसे पहला है RPG मेकर, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है मुगेन, ठीक है गाइस। उसके बाद एडवेंचरर गेम स्टूडियो, उसके बाद आता है गेम मेकर, उसके बाद आता है गेम प्रो, और उसके बाद आता है XNA माइक्रोसॉफ्ट का, और एक आता है अनरियल। एंड ये इसकी का जो है ना गाइस यार कॉम्पिटिटर है यूनिटी। जी हाँ गाइस, जिससे नॉटलेस मोबाइल ने गेम को बनाने की कोशिश की है, जिसके साथ कोलैब किया है। तो गाइस यार इसको कोलैब नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनरियल इंजन, यानी मतलब यूनिटी इंजन को लाने की कोशिश की अपने गेम में। तो गाइस यार चलो इसका हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सबसे बेटर इंजन कौन सा होता है। तो गाइस यार देखो, माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो गाइस यार XNA गेम स्टूडियो इंजन सबसे बेटर है। बट अगर हम एंड्रॉयड में बात करें ना गाइस, तो देखो यार दो गेमिंग इंजन है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहला हमारा आता है यूनिटी एंड अनरियल। तो गाइस यार इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चली है, बट गाइस यार मैं कहूँगा तो यूनिटी गाइस भरोसेमंद कंपनी है, बट अनरियल इंजन भी कहीं पीछे नहीं। देखो गाइस, आपने PUBG, फ्री फायर, COD का नाम तो सुना ही होगा। इन सब की जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है ना गाइस, इन सब की ग्राफिक्स डिज़ाइन की है हमारे यूनिटी इंजन ने। बट गाइज यार देखो, अनरियल इंजन जो है ना गाइज, इसकी लाइटिंग एंड जो ग्राफिक्स है ना गाइज, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है। तो मतलब काफ़ी तगड़ा गेमिंग इंजन ये भी है। तो देखो यार सबसे पहली बात हो जाती है कि गेमिंग इंजन को लाया क्यों जाता है। तो देखो सबसे बड़ी बात होती है गेमिंग इंजन को लाने के लिए। तो गाइज देखो, आप जैसे कि कोई सा भी गेमिंग इंजन यूज़ कर रहे हो, अब जैसे कि आप यूज़ कर रहे हो अनरियल गेमिंग इंजन, ठीक है। तो गाइस यार अनरियल गेमिंग इंजन में देखो बहुत सी चीज़ें जैसे लाइटिंग इफेक्ट वगैरह एंड साउंड्स वगैरह, तो गाइस यार वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है यूनिटी के साथ। लेकिन गाइस यार अगर यूनिटी में डाटा की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डाटा है। जी हाँ गाइस, डाटा तो यार यूनिटी में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये गाइज यार देखो, इसमें ना बहुत सी आवाज़ें एंड मूवमेंट है। तो चलो अभी तो ये बात कर ली कि ये काम कैसे करता है और ये है क्या। तो गाइज यार चलो अब बात कर लेते हैं कितनी कैटेगरीज है। तो गाइज यार सबसे पहला इसका आता है लाइटिंग। जी हाँ गाइज यार, आप लोग जैसे कि लाइटिंग भी गेमिंग इंजन ही कवर करता है, बट दिन के टाइम में नहीं गाइज, जैसे कि कमरे के अंदर की लाइटिंग और जो बल्ब वगैरह की लाइटिंग गाइज ये सब करता है कवर। बाकी गेमिंग इंजन का काम होता है ये नहीं होता कि वो आपका पूरा डे ओवरकास्ट वगैरह की लाइटिंग कवर करेगा। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल भी इसका काम नहीं होता है। तो चलो ये तो हो गई लाइटिंग इंजन की। बट अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स इंजन। जी हाँ गाइस यार, फिजिक्स इंजन क्या होता है। तो देखो, जैसे कि आप लोग कई बार देखते हो कि बॉल काफ़ी ज़्यादा टप्पा पीछे रखते हो तो ऊंची जाती है, और जब फुल टॉस मतलब काफ़ी आगे रखते हो तो काफ़ी नीची बॉल जाती है। स्पिनर की बॉल काफ़ी नीचे जाती है, फास्टर की काफ़ी ऊपर जाती है। तो गाइस यार इसे कंट्रोल करता है हमारा फिजिक्स इंजन। तो गाइस यार चलो, ये तो बात हो गई फिजिक्स इंजन की। अब यहाँ पे अपना लास्ट आता है गाइस यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ गाइस यार, अब आप लोग कहोगे कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो। जी हाँ गाइस, अगर सच कहूँ तो ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी गेम इंजन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे जो होगा ना, तो जैसे कि आपके अलावा, जैसे कि आप लोग बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, तो आपके कैरेक्टर के अलावा जितने भी गेम में कैरेक्टर हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं ऑडियंस वगैरह, सबको आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही मतलब कवर करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा। तो यहाँ से तो गाइस
अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि क्या होता है गेमिंग इंजन। तो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था, क्या किसी इंजन को, जैसे किसी गेम में कोई पुराना इंजन है उसको चेंज किया जा सकता है? जी हाँ गैस, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। आप कहोगे कैसे? तो गैस आप लोगों को ध्यान होगा, अगर गेम में कोई फीचर हटाना होता है, उसकी जगह नया फीचर लाना होता है, तो उस फाइल को डिलीट करके नई फाइल से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो गैस यार वैसे अभी नॉटलेस मोबाइल जो भी इंजन यूज़ कर रही है उसको हटा कर ये यूनिटी इंजन से रिप्लेस कर देगी। तो गैस यार टोटल कुल मिला के ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे ये पूरा जो गेमिंग इंजन्स की बात चल रही थी। तो चलो अब बात कर लेते हैं RC21 आने का वाला है। तो गाइस यार देखो, इसकी कोई भी एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं बता सकते, बट गाइस मिडिल ऑफ जुलाई तक आ जाना चाहिए। अगर गाइस नहीं आया तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने यार चैनल छोड़ने का कह दिया, तो अभी मतलब कुछ उतना ज़्यादा कह नहीं सकते। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यार गेमिंग इंजन क्या है और रियल क्रिक कब तक आने वाला है। तो गाइस यार अभी वीडियो अच्छा लगे ना यार तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।